दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो, भारत में अगर बिजनेसमैन की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा नाम आता है? जी हाँ, आप सभी सही सोच रहे हैं, द वन एंड ओनली मुकेश अंबानी, जो कि बिजनेस की चर्चाओं में हमेशा रहते हैं और जिनके बारे बच्चा बच्चा जानता है। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं के सिद्धांतों पर चलने वाले व्यक्ति की बात करने वाले हैं, जिसका नाम है आकाश अंबानी, जो कि मुकेश और नीता अंबानी के बड़े पुत्र हैं, जिनकी शादी श्लोका मेहता से हुई है और जो हाल ही में एक बेटे के पिता बने हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आकाश अंबानी अपने पिता के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं और रिलायंस कंपनी में कई अहम पदों पर काम कर रहे हैं और कंपनी को एक नया मुकाम देने में जुटे हैं। दोस्तों, आकाश अंबानी का जन्म 28 अक्टूबर 1991 में महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी जुड़वा बहन भी है जिसका नाम है ईशा अंबानी और एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है अनंत अंबानी, जो कि अपने वजन को लेके हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। तो दोस्तों, आकाश अपने परिवार के साथ मुंबई में स्थित एंटीलिया हाउस में रहते हैं। आकाश अंबानी ने अपनी स्कूलिंग धीरूभाई इंटरनेशनल स्कूल से की है और इन्होंने ग्रेजुएशन ब्राउन यूनिवर्सिटी यूएसए से की है। फिर ये ग्रेजुएशन करने के बाद भारत वापिस आ गए और अपने पिता के साथ बिजनेस में हाथ बटाने लग गए। दोस्तों, 28 वर्ष के आकाश की शादी हीरों के कारोबारी की बेटी श्लोका मेहता से हुई है और हाल ही में श्लोका ने एक बेटे को जन्म दिया है। दोनों की स्कूलिंग सेम स्कूल से है। उच्च शिक्षा के लिए आकाश यूएसए चले गए थे और वहीं श्लोका ने भी विदेशी विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया था। दोनों की सगाई पहले गोवा में हुई थी, फिर दोनों ने आके सिद्धि विनायक मंदिर जो कि मुंबई में है वहां जाकर आशीर्वाद लिया था, फिर दोनों ने मुंबई में शादी की थी। वैसे तो आकाश को स्पोर्ट्स कार्स का बहुत शौक है। इनके पास महंगी से महंगी कार कलेक्शन है जिसमें ऑडी, फेरारी, रोल रॉयस जैसी कार्स शामिल हैं। आकाश अंबानी ने आज के दिनों में रिलायंस ग्रुप को अच्छी तरह संभाल रखा है और करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। कहा जाता है आकाश ने अपने पिता की कंपनी ज्वाइन करने से पहले कंपनी में बतौर इंटर्न शामिल हुए थे। इंटर्न रहते हुए इन्होंने कई अनुभवी लोगों के अंडर रहकर काम भी किया, जिससे इन्हें हर तरह का अनुभव प्राप्त हुआ। 2014 में आकाश को रिलायंस ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बतौर निदेशक शामिल किया गया था। 2008 में इनके पिता ने मुंबई इंडियंस को खरीदा था, तब आकाश पढ़ाई कर रहे थे, तो 2014 में इन्होंने इस कंपनी को देखना शुरू किया था। अब वे अपनी मां नीता अंबानी के साथ हर मुंबई इंडियंस के मैचेस में देखे जाते हैं। ग्रेजुएशन को ख़त्म करके इन्होंने 60 मेंबर्स के साथ एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था रिलायंस जियो। इसमें इनकी बहन ईशा अंबानी ने भी पूरा सहयोग दिया था। इस कंपनी को दोनों भाई बहन ने 2015 में स्टार्ट किया था, जो कि भारत में 4G सेवाएं देने का काम करती हैं, जो कि एक कामयाब कंपनी भी साबित हो चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा आकाश को क्रिकेट फुटबॉल में भी काफ़ी रुचि है। जिस क्रिकेट टीम को इनके पिता ने खरीदा था, अब वे उस टीम की हर चीज़ देखते हैं और इनको खेलों में रुचि होने के साथ साथ खेलों से जुड़ी चीज़ें इकट्ठी करने का भी शौक है। कहा जाता है इन्होंने सुनील गावस्कर का वह बैट खरीदा था जिससे सुनील ने वर्ल्ड कप 1983 में छक्का मारा था। तो दोस्तों,
यहाँ से आप देख सकते हैं आकाश अंबानी को हर चीज में रुचि है और हम आशा करते हैं आकाश अपनी आने वाली जिंदगी में अपने माता पिता की तरह सक्सेसफुल रहें। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं @ द निकरा ठौर। थैंक यू।